राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, 8 बजे उनका टी ब्रेक होता है। रास्ते में किसान परिवार के यहाँ रुकते हैं, वहीं पर चाय पीते हैं। देखा जा सकता है यहाँ पर कि राहुल गांधी छत पर बैठकर चाय पी रहे हैं, और ये पहली बार है कि इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों आमने सामने बैठे हैं, और राहुल गांधी दोनों को दिखाकर आपस में बात कर रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि बहुत सालों बाद ये दृश्य आया है जब राहुल गांधी बैठे हैं और आमने सामने अशोक गहलोत और सचिन पायलट बैठे हैं चाय पर। हालांकि कांग्रेस के बाकी नेता भी आपको छत पर दिख रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, बाकी मंत्री हैं, धीरज गुजर हैं, रामलाल जाट हैं, मगर टेबल पर 3 लोग बैठे हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी। ये जो एक सियासत की तस्वीर है, इस तस्वीर को देखने के लिए मुझे लग रहा है कि राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है कि इस तस्वीर से निकलता क्या है। पहली बार इस तरह से राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट बात करते हुए नजर आ रहे हैं एक साथ। अब ये सियासी बातचीत हो रही है या फिर राहुल गांधी दोनों को समझ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, क्योंकि लगातार दोनों तरफ से बातें हो रही है। और राहुल गांधी को अगर आप देखें तो इशारे से कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बातचीत का क्रम ये जारी है। कभी ये सचिन पायलट से बात कर रहे हैं तो कभी ये अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे हैं। किसान का परिवार है, देखा जा सकता है कितनी सारी भैंसे हैं, और जो सिक्योरिटी है राहुल गांधी की, वो सिक्योरिटी पहले से तय कर लेती है। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज थोड़ी सी चतुराई की है, क्योंकि जब झालावाड़ में चंदी देवी के घर चाय पीने रुके राहुल गांधी और शाम हो गई थी, पूछे कि लाइट कहाँ है, तो उसने कहा कि 15 साल से मुझे लाइट का कनेक्शन नहीं मिला है, 1.5 साल से फाइल लगी हुई है, कई बार हमने रिश्वत भी दी मगर हमें बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया। फिर 1 घंटे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर फोन कर बिजली का कनेक्शन दिलवा दिया था। इस बार थोड़ी सावधानी बरते हैं, क्योंकि कलई खुल गई थी राहुल गांधी के सामने। पहले ही आकर, जब राहुल गांधी की यात्रा पीछे थी, तो पहले ही आकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस घर में बैठ गए थे, और मुझे लगता है कि तैयारियां पूरी हो गई थी, इसलिए यहां पर कोई शिकायत नहीं हुई होगी। मगर ये जो तस्वीर दूर से हम कैमरे में कैद कर रहे हैं, ये तस्वीर बहुत अहम है। इस तस्वीर को देखने के लिए राजस्थान की जनता लंबे समय से इंतजार कर रही है कि आखिर यहां से भारत जोड़ो यात्रा के बहाने निकलता क्या है। जो सड़क पर सियासत हो रही है कांग्रेस की, वो कहां खत्म होती है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति लंबे समय से बंद गली का आखिरी मकान बन चुकी है। यहां से जाए कहां किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता भी इसी कसौटी पर कसी जाएगी कि क्या राजस्थान के दो बड़े नेता आपस में मिल पाए हैं। देखिए आप कुछ लोग सामने आ जा रहे हैं, मगर अगर आप तस्वीर को देखें तो लगातार जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद फिर सचिन पायलट बातचीत कर रहे हैं, बाकी सारे विधायक और मंत्री भी हैं, लेकिन वो दूर दूर ही खड़े हैं। इस तस्वीर पर पूरी भारत जोड़ो यात्रा में सबकी नजरें होंगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा कंसर्न राजस्थान में लोगों को स्थानीय राजनीति को लेकर है कि राजस्थान का यह ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल ऊंट खड़ा है और समझ में नहीं आ रहा है, और इसी सियासत के सिरे को पकड़ने की हम भी कोशिश कर रहे हैं लगातार, इसीलिए इस दृश्य को हम आपको दिखा भी रहे थे। ऐसे दृश्य जब भी आएंगे हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या बातें हो रही है, किस तरह की मुलाकातें हो रही हैं, इसके बारे में भी हम आपको पूरी खबर राजस्थान तक पर देते रहेंगे। आप देखते रहिए दिन भर राजस्थान तक।